फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं शाम के 5:52 और हमने 3.5 किलोमीटर का रन कंप्लीट किया है। अभी रास्ते में रुके हैं एक जगह टू शूट दिस वीडियो, और आज हमारा प्रैक्टिकली डे 3 है बट वीडियो का डे 2 है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का प्लान बताते हैं। आज का प्लान है कि लगभग 7.5 किलोमीटर का रन करेंगे, क्योंकि अभी 3:30 हो चुके हैं, घर जाते जाते और 4 किलोमीटर के आसपास होगा। सो अभी हमारा प्री चैलेंज फेज चल रहा है। चैलेंज जो है 26 से स्टार्ट होने वाला, जो कि 21 डेज 10 किलोमीटर का चैलेंज है पर डे। आज एक बहुत छोटा सा क्विकली चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक्चुअली जो प्लान किया था वो ये प्लान किया था कि ये 21 डेज 20-25 दिन जो भी हो रहे थे, ये मैं डेकेथलॉन का जो एक्वा शूज़ आता है, आप लोगों ने देखा होगा, नेवी ब्लू कलर का या लाइट ब्लू कलर का आता, उसमें रन करने वाला था। 2 दिन मैंने रन भी किया, मैंने 22nd को और 23rd को उसमें रन भी किया। एक दिन 7.5 किलोमीटर किया, एक दिन ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर के आसपास किया। तो जो मेरा पेस आया उस दोनों कंसिस्टेंट था, 6.1 पकड़ लो आप, 6.1 के आसपास आया। आज मैं बस ऐसे ही सोचा कि ठीक है, एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज फिर से वो शूज़ अपना नॉर्मल शूज़ पहन के जाते हैं, जो कि मैं जनरली कयानो 27 अभी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना कयानो 24 था, उस पर आज पुराना था, इसलिए मैंने सोचा गीला भी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर रन करके देखते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द ये 3.5 किलोमीटर का रन, कि जो मैं एक्वा शूज़ यूज़ कर रहा था तो मेरा जो एक नॉर्मल पेस चल रहा था वो 6.1, 6.15, 6.2 जो मैं इंस्टेंट पेस मेजर करके देख रहा था तो वो आ रहा था। अभी जब मैं कयानो 24 अपना पुराना वाला जो ऑलरेडी लाइफ जिसका हो चुका है, मैंने 2200-2300 किलोमीटर उस पर रन किया हुआ, उस पर मेरा आ रहा है जो वो आ रहा है लगभग 5:38, 5:40, 5:42 कम्फर्ट, सेम एफर्ट लेवल में लगा रहा हूँ, कोई ऐसा भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी लंबा करना है तो आई एम नॉट इन अ हरी, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, कम्फर्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मेरा एक नेचुरल पेस हो सकता है उस पर कर रहा हूँ। सो ये एक क्विक डिफरेंस मुझे लगा है। मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको ये भी बताऊँगा कि फाइनल क्या आया। तो कोई बहुत साइंटिफिक लॉजिक नहीं देना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही क्विक ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि जब मैं एक्वा शूट में रन कर रहा था तो मेरा जो इंस्टेंट पेस आ रहा था वो 6.1, 6.2 के आसपास आ रहा था। इसमें सेम एफर्ट लेवल पे, जो कि मैं एक अपना परसीव वैल्यू बोल सकता हूँ, सेम एफर्ट लेवल पे मुझे 5.4, 5.38, 5.42 के आसपास का आ रहा है। तो ये आज का क्विक ऑब्जर्वेशन था। अभी रनिंग चैलेंज मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, ये प्री फेज है, तो फॉलो करते रहो मुझे, आप देखते रहो कि कैसा कर पा रहा हूँ। कुछ सजेशन देना है तो कमेंट करके बताओ, और बहुत लोग जिनके पास नंबर होगा वो फ़ोन भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अभी आखिरी का रन कम्प्लीट करते हैं, वीडियो एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का रन कंप्लीट होता है हमारा, 7.6 किलोमीटर का रन किया है, एवरेज पेस आया है 5.51। सो बेसिकली जो कंपैरिजन हम करने वाले थे कि एक्वा शूज वर्सेस जो नॉर्मल रनिंग शूज, तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रनिंग शूज में मेरे अभी के कंडीशन पे मुझे बेनिफिट है, मैं थोड़ा फास्ट भाग पा रहा हूँ। एक रीज़न ये हो सकता है कि एक्वा शूज में, क्योंकि हम रोड रनिंग करते हैं तो रोड रनिंग में कंकड़ पत्थर होते हैं, तो अभी मैं नया हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 रन ही किए हैं, तो मुझे थोड़ा उसमें कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहीं फुट लैंडिंग कंकड़ पत्थर पे ना हो जाए, तो वो एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन या फिर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है मुझे, जो कि नॉर्मल रनिंग शूज़ पे नहीं है, क्योंकि इस पर कोई वैसा फीलिंग का डर नहीं होता, कंकड़ पत्थर का कोई डर नहीं होता, तो ये एक प्राइमरी रीज़न हो सकता है। बट आज का ऑब्जर्वेशन जो है यही है कि अगर मैं एक्वा शूज़ पे आज के कंडीशन पे रन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो हूँ, और मैं अगर नॉर्मल रनिंग शूज़ पे रन कर रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्वा शूज़ में ही रन करते हैं और उन्होंने लगभग अल्ट्रा मैराथन्स तक एक्वा शूज़ में किया हुआ है, सो हैट्स ऑफ टू देम, बट मैं भी उसको प्रैक्टिस करूँगा और देखता हूँ कैसे वो इम्प्रूव होता है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कुछ शॉर्ट्स और कुछ फोटोज लिए हैं वो आपको एंड में दिख जाएंगे, तो कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आगे हमें इस चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ताकि आपके लिए हम वो भी एक्सपेरिमेंट करें और हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट से मुझे भी बेनिफिट हो। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग। सो अब आज का वेट मेजर कर लेते हैं, और वेट आया है 74.65 kg।